मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये मेरे लाइफ से भी रिलेटेड है और थोड़ा लोगों की सोच से भी रिलेटेड है, तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि मैं जहाँ पे भी घूमने जाता हूँ, अधिकतर मैं अभी मंदिरों में घूमने गया हूँ, तो वहाँ की मैं स्टोरी लगाता हूँ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, तो मेरे को ढेर सारे कमेंट आते हैं स्टोरी में कि भाई क्या हो गया है तेरे को, मंदिर घूम रहा है इस उम्र में, फिर जाके क्या बाबा बन गया है, साधु बनने का इरादा है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या हो गई है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई कि मतलब एक बंदा मतलब मंदिर जा रहा है तो क्या बाबा बनेगा, वो हद हो गई है, मतलब मंदिर भी नहीं जा सकते भाई हिंदुओं के, क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई। मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाता हूँ। तो हाल ही में विराट कोहली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, उनका मैं देख रहा था अभी कल एक वीडियो, तो मैंने सोचा उस पे एक वीडियो बनाऊँ, तो डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ, देखो एंड तक, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी ऐसा सोचते हैं आज के टाइम में, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ हमारे जो यंगस्टर है, जो वो ऐसा सोचते हैं कि भाई 12th पास कर लिया साइंस स्ट्रीम से, भाई सब कुछ साइंस है, कुछ नहीं होता, भगवान वगवान क्या है, सब मजाक है। तो भाई सब उनको भी पता होगा, सबको पता होगा कि भाई जितने भी वैज्ञानिक बने हैं इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर जितने भी रिसर्च किया है, वो अधिकतर भाई हमें हमारे गीता, भगवद गीता, फिर जाके हमारे जितने पुराण हैं उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें उन लोगों ने भी माना है कि भाई हमने यहाँ से ही पढ़ा है। तो तुम लोग यार खुद ही ऐसा हिंदू हो के ऐसा कर रहे हो, तो ऐसा मत करो भाई। तो इस पर एक मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, तो उसको देखो। टॉक अस थ्रू अबाउट योर मेंटल अप्रोच, हाउ डू यू बिकम मोर आई मीन रिस्पॉन्सिबल एज ए इंडिविजुअल, एज ए प्लेयर, वेयर थ्रू सम मेडिटेशन, थ्रू मूवी, सम ऑथर, सम पूजा पाठ, काइंड ऑफ दिस दैट हेल्प्स यू बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर मेंटली? Do I look the puja part types? तो भाई ये विराट कोहली का 2016 का एक इंटरव्यू है जिसमें वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं पूजा पाठ टाइप करने वाला बंदा दिखता हूँ क्या। तो उसके बाद से आपको सबको पता है कि परफॉर्मेंस कैसे कंटिन्यूसली गिरती गई है विराट कोहली की। उसके बाद जाके उन्होंने फिर आपको सबको ही पता है कि भाई कैची धाम गए हैं, फिर वृंदावन गए हैं, तो उसका वीडियो देखो। आप भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और ये फिल्म इंडस्ट्री में अभिनेत्री हैं, ऐसा आपका परिचय है? तो ये आपसे मिलने आया था, आपका सत्संग सुनते हैं हमारे श्री। श्री जी का माला इनको और चुनरी सखी को पहना दीजिए। फिर वो ऋषिकेश में भी गए थे, सबको पता ही है। उसके बाद जाके महाकालेश्वर मंदिर, उसका देखिए। जय महाकाल, जय महाकाल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। लगभग 3 साल से उनका टेस्ट मैच में 75 सेंचुरी रुका हुआ था, जो हाल ही में कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन पूरे इंडिया को। तो विराट कोहली का पिछला वीडियो देखिए और ये वाला वीडियो देखिए, फिर आप खुद ही बोल देना। मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेलने वाला हूँ। तो इस वीडियो का मतलब मेरा ये था कि आप चाहे जितना ही मेहनत कर लो, जो कर लो, ठीक है, पहली बात तो ये उन कैटेगरी में आता ही नहीं है जो लोग मेहनत ही नहीं कर रहे, भगवान और से पहले से बैठा है, तो ये वीडियो भाई उनके लिए नहीं है, वो उनको मत भेजना कोई भी, ठीक है। तो जो लोग मेहनत कर रहे हैं और उनका आउटकम नहीं मिल रहा है, उनको एफर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लेकिन उनका आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो मैं एक बार उनको पर्सनली मतलब सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा जाइए, भगवान वगैरह के दर्शन कीजिए, थोड़ा मन शांत होगा आपका, पॉजिटिविटी आएगी, तो नए रास्ते खुलेंगे अपने आप, जो बहुत टाइम से रुका हुआ काम है वो भी हो जाएगा। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील करता हूँ तभी जाके ज़्यादा मंदिरों में जाता हूँ, तो थोड़ा एक नेगेटिविटी दूर होती है लाइफ में, नई पॉजिटिविटी आती है कि भाई चल नहीं हो रहा है बहुत टाइम से, अब हो जाएगा, ऐसा लगता है। तो ये भी एक ज़रूरी है, और गिव अप नहीं करते, बहुत बड़ी बात यह है कि भाई गिव अप नहीं होता है कि बहुत टाइम से नहीं हो रहा है तो फिर मन वो हो जाता है, तो गिव अप नहीं करना है भाई, जो भी काम कर रहा है, तो उसके लिए सबके लिए भाई यही मैं बोलूँगा।
तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो भाई दबा के शेयर कर देना, लाइक कर देना। और विराट कोहली तो हम सबके प्यार है ही पहले से ही, प्राइड है इंडिया के। तो कोई भी भाई ऑफेंस मत होना कि मैंने विराट कोहली का क्लिप यूज़ किया है या उनको, तो ये मतलब एक बेस्ट एग्जांपल है कि कैसे हो रहा है काम एक्चुअल में। तो इनके लिए मैंने यूज़ किया है उनका क्लिप, तो कोई भी ऑफेंड मत होना, सबके लिए भाई यही है। जय हिंद, जय भारत। और भाई लास्ट में जाते हुए सब सब्सक्राइब बटन दबा के जाना, आज तक बोला नहीं अब बोल रहा हूँ, 2K के काफ़ी करीब है हम लोग, तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। एग्ज़ाम मेरा ख़त्म हो गया है, कंटिन्यू वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, तो प्यार बनाए रखें। थैंक यू।